नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला से संबंधित, जहाँ पर अगर आपने आपका दसवीं पास है तो ये फॉर्म जो है आप आसानी के साथ भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को आई अटेंडेंट और भी वैकेंसी थेरेपिस्ट के अंतर्गत आया हुआ है उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ से देखना होगा और इसको इस आवेदन को आपको ऑनलाइन करना है। इसका ऑनलाइन लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविदा भर्ती है, जहाँ पर 13/10/2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अगर थेरेपिस्ट के लिए आप भरते हैं तो यहाँ से आपको 20,000 रुपया मिलेगा। आया अटेंडेंट के लिए भरेंगे तो आपको यहाँ पर 6,000 रुपया प्रति महीने प्रदान किया जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन इस आवेदन को आपको 14/10/2022 से 30/10/2022 तक आपको समय 5 बजे तक भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट jaspur.nic.in पर जाना है। इसका लिंक जो है आपको मैं दे दूंगा। आपको गूगल डॉक लिंक दे दिया गया है, इसको मैं भी आपको दे दूंगा। इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से जो फॉर्म आएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग जरूर से करना। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं आपको फिलहाल इसको बताता हूँ, पीडीएफ को, कि इसका ऑनलाइन स्वीकार किया जाना है। आवेदन जो है ऑनलाइन स्वीकार ही किया जाएंगे, किसी माध्यम से करेंगे तो आपको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। गूगल डॉक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भर बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो जशपुर के लिए आपको फरसाबहार पत्थल गाँव के, यहाँ पर जशपुर के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और यहाँ से आपका एक एक पद जो है सबका देखने को मिल रहा है। आपका कुनकुरी है, फरसाबहार, पत्थलगांव, जशपुर के लिए है। तो यहाँ पर आपका तीनों जगह आपका आया जो है, आपका यहाँ से आपको आया पद के लिए एक एक पद है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए एक एक पद है, जो कि यहाँ पर जिला स्तर पर है और यहाँ से आप विकासखंड स्तर पर देख सकते हैं। ये फॉर्म अगर आप जशपुर जिले के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जशपुर से तो कमेंट्स करके जरूर से बताएं। और ये जो फॉर्म है उसको जशपुर जिले वाले ही अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आपका है, ये गूगल डॉक जो है नहीं खुल रहा है, नहीं तो मैं आपको इस फॉर्म को भर के जरूर से बताता। इसका लिंक लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, खुल रहा है, अगर ये देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको भरने होंगे। सबसे पहले आप अपना ईमेल डालेंगे यहाँ पर, ईमेल के लिए जो दिया गया है, यहाँ से इस ईमेल को आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आपको भरना पड़ेगा। ये ईमेल है, उसको भरेंगे। जैसे ही भरेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है सहमत का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सहमत है यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट बटन है उस पर जाना है। ये रहा नेक्स्ट बटन, ये यहाँ से आपको इसको आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ये कि इच्छुक है तो उसके बाद वो फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुल 5 पद दिखेंगे तो इस प्रकार से है। दोस्तों, अगर ये फॉर्म भरने के आप इच्छुक हैं तो बहुत ही जल्द इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ये रहा, तो इस तरीके से है, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस फॉर्म को भर सकते हो और इसको घर बैठे ही करना है। किसी प्रकार से कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए जो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो हाई स्कूल से प्राप्त 20% का जो प्राप्त प्रतिशत है उसका 20% लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का 20% और स्नातक का 50%, अगर आप थेरेपिस्ट में डालते हैं तब। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करूँ तो शैक्षिक योग्यता जो है आपका थेरेपिस्ट के लिए जो है स्नातक के साथ साथ जो थेरेपिस्ट जो कोर्स होता है उसमें आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है आया अटेंडेंट के लिए आपका 10वीं उत्तीर्ण होना
चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है अगर हर कोई इसको इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहा गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, अगर आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बताया जाता है कि आप अगर जशपुर जिले के मूल निवासी हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर लेना। इसका दोनों का लिंक, PDF का लिंक और गूगल डॉक का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको आप लोग जरूर से। तो ये तो रहा आज का जो जशपुर के द्वारा आया हुआ 5 वैकेंसी के बारे में, मैंने आपको आपको कैसा लगा एक लाइक करके जरूर से बताइए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ जिससे मुलाकात होगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।